हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एचडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लोकसभा इलेक्शन 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, तो लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड दोस्तों हर एग्ज़ाम में अब आगामी एग्जाम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इस पूरा टॉपिक को जरूर तैयार कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न देखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव में भारत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है तो भारत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ था, ये 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें टोटल एनडीए को 352 सीट मिली है। ठीक है, और अकेले बीजेपी की बात करें तो 303 सीट बीजेपी को मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कुल कितनी सीट प्राप्त की हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी को टोटल 303 सीट मिली हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले लोकसभा चुनाव की, 16वें लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी को 282 सीट मिली थी। इस बार ज़्यादा सीटें मिली है, 303 सीट। तो आपको लास्ट का भी याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, 282 सीट 2014 में, 2019 में 303 सीटें आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। कांग्रेस को टोटल कितनी सीट मिली हैं, तो आप पता है तो बता सकते हैं। टोटल 52 सीट मिली है कांग्रेस को टोटल लोकसभा चुनाव 2019 में। और दोस्तों, अगर बात करें हम कि लास्ट ईयर मतलब लास्ट चुनाव में जो 2014 का इलेक्शन हुआ था उसमें कितनी सीट मिली थी कांग्रेस को, 44 सीट मिली थी कांग्रेस को। इस बार बढ़ी हैं सीटें। ठीक है, तो 52 सीट मिली हैं कांग्रेस को। अगला प्रश्न है देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद होना जरूरी है। देखिए, आपको बताना है अगर विपक्ष का दर्जा चाहिए तो टोटल कितने सांसद के लिए होना जरूरी है, इसमें बता सकते हैं आप दोस्तों। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55। 55 सांसदों का होना बहुत जरूरी है अगर विपक्ष का दर्जा चाहिए किसी पार्टी को। ठीक है, 55। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। देखिए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। पहले नंबर पर बीजेपी है, सेकंड पर कांग्रेस है, लेकिन तीसरी कौन पार्टी बनी है इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कगडम, टोटल इसको कितनी सीट मिली है याद रखेंगे, 23 सीट मिली है, ये आपसे एग्जाम पूछा सकता है। तो डीएमके जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है 23 सीटों के साथ। ठीक है, नंबर वन पर बीजेपी, सेकंड पर कांग्रेस, जैसा कि मैंने बताया बीजेपी को 303 सीट और कांग्रेस को 52 और डीएमके को 23। लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, चार राज्यों में हुए हैं विधानसभा चुनाव। ठीक है, और अगर ये चार राज्य आपको पता है तो आप बता सकते हैं कौन कौन से चार राज्यों में हुए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। और यहाँ की आप सीट याद रखेंगे, विधानसभा सीट, ओडिशा में कुल विधानसभा कितनी सीटें हैं, 146। ठीक है, ओडिशा में, और आंध्रा में 175 हैं, 175 सीट है आंध्र प्रदेश में विधानसभा की। सिक्किम में है 32 सीट और अरुणाचल प्रदेश में है 60 सीट। देखिए, सीट भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कितनी सीट है किस राज्यों में, तो खासकर जब अभी चुनाव हुए हैं तो इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ये सीट याद रखने हैं। और इन चार राज्यों में भी जो हुए हैं इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7, नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो आप सबको पता है नरेंद्र मोदी बनारसी से चुनाव लड़ते हैं, तो इन्होंने रिकॉर्ड जो है जीत प्राप्त की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फुल फॉर्म याद रखेंगे, एनडीए को कुल कितनी सीट मिली है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है एनडीए को टोटल 352 सीट मिली है, 352 सीटें मिली हैं। इसमें अगर बात करें बीजेपी को अकेले कितनी मिली हैं, तो बीजेपी को मिली है 303 सीटें। ठीक है, तो एनडीए को कुल कितनी सीट मिली, 352 सीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अनुच्छेद 324 लागू किया था। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल में लागू किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्यों लागू किया गया था, तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो है झड़प हो गई थी, तो आर्टिकल 324 के तहत निर्णय लिया गए थे। थोड़ा चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन
लोकसभा चुनाव का क्वेश्चन है, तो चुनाव आयोग से रिलेटेड जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है, और वर्तमान में जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराकर निम्नलिखित में से किसने जीत दर्ज की है? तो जीत दर्ज की है स्मृति ईरानी ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी जो है स्मृति ईरानी ने अमेठी संसदीय सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हरा दिया है, और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया है। ठीक है, 55,120, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी सालों बाद जो है सीट कांग्रेस के बाद से कोई राहुल गांधी यहाँ से, गांधी परिवार की ये पुश्तैनी सीट रहती थी, तो यहाँ से स्मृति ईरानी जीत गई, तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से जीत दर्ज की है? बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह। ठीक है, यहाँ से कन्हैया कुमार थे। ठीक है, कन्हैया कुमार को 4,22,000 मतों से हराया है। ठीक है, तो याद रखें, गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को हराया है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की किस सीट पर बीजेपी के नेता कृष्णपाल सिंह ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर चुनाव जीता है? तो गुना की सीट से दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं हार गए हैं। डॉक्टर कृष्णपाल सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, 1,25,549 वोटों से हरा दिया है। ठीक है, बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 28 मिली है, और एक सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीता है छिंदवाड़ा से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने 23 मई को CM पद से इस्तीफा दे दिया है? चंद्रबाबू नायडू दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब नए CM बनेंगे आंध्र प्रदेश के, तो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो टोटल जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें यूपी से ही हैं, तो यूपी से बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीट मिली, 62 सीट मिली है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और इसमें से दोस्तों 64 सीटें टोटल इसे मिली हैं, NDA को 64 मिली हैं, लेकिन बीजेपी को 62 सीट, और दो अन्य दल के हिस्से में आई है, और वहीं सपा को दोस्तों 5 और बसपा ने जो है 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को केवल एक सीट यहां पर मिली है। ठीक है, यूपी में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू थे तो यहां पे उनकी पार्टी हार गई है, जगन मोहन रेड्डी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन से बदलेंगे? तो नवीन पटनायक की पार्टी जो लगातार ये बनेंगे जीत गए यहाँ से। ठीक है, तो नवीन पटनायक बनेंगे ओडिशा के CM के रूप में, शपथ लेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले पवन कुमार चामलिंग किस राज्य से विधानसभा चुनाव हारे हैं? तो देखिए दोस्तों, सिक्किम से थे। ठीक है, सिक्किम विधानसभा चुनाव में हार के साथ दोस्तों सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पवन कुमार चामलिंग, 24 साल 5 महीने का लंबा कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, 32 सीट थी यहाँ पे विधानसभा की। ठीक है, तो याद रखेंगे पवन कुमार चामलिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई थी। देखिए तो देश का एकमात्र ऐसा जिला मध्य प्रदेश का हरदा था, जहाँ पे पूरी मतगणना जो है महिलाओं ने करवाई थी। ठीक है, तो मैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम्स में पूछा सकता है, आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक कितने प्रतिशत सबसे अधिक मतदाता रिकॉर्ड दर्ज किया गया, यानी कि अभी तक में सर्वाधिक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है लोकसभा चुनाव के इतिहास में? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 67.10%। ठीक है, लोकसभा चुनाव की हिस्ट्री में अब तक का जो है सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो याद रखेंगे आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों लोकसभा चुनाव से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको दोस्तों अगले किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए आपको तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और दोस्तों आप जो है काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, सर जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स की वीडियो बना दीजिए। दोस्तों मैं बना चुका हूँ जनवरी से लेकर मई तक के पूरे करंट अफेयर्स की वीडियो, जो आप हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाके देखिए। जनवरी से मई तक का टॉप 500 क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, आप जाके जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।